दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि इन बैंकों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। देखिए आप बड़ी खबर की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का भी आईपीओ लाने की दिशा में सरकार ने एक कदम उठाया है। मतलब ये हुआ कि अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शेयर बाजार में लिस्टिंग हो पाएंगे। बीएससी एनएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग हो पाएंगे। सरकार ने इसको लेकर मसौदा, नए दिशा निर्देश, नए नियम जारी कर दिए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि यार डीएलएस भाई, ग्रामीण बैंकों के शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने से उसके खाताधारकों को क्या फायदा होगा, यानी कि अगर आपका भी किसी ग्रामीण बैंक में खाता है। ग्रामीण बैंक का मतलब समझिए पहले तो आप, जो ग्रामीण बैंक होते हैं ना, नाम से आपको डिफाइन हो रहा होगा कि ये बैंक गांव के इलाकों में होते हैं, ग्रामीण इलाकों में, जैसे बड़ौदा ग्रामीण बैंक वगैरह वगैरह। और ये बैंक करते क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाते हैं, जैसे कि गांव के लोगों को भी लोन मिल सके कृषि खेती पर, उनके मकान पर, गांव के लोगों को जो पेंशन वगैरह मिलती है उसका मेंटेन रखना, गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए जो पैसे मिलते हैं उसका लेन देन करवाना, गांव के लोगों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये मतलब बेसिक काम है जो ग्रामीण बैंकों के काम है, क्योंकि हर गांव में रहने वाला किसान भाई लोग व्यक्ति तो शहरी इलाके में तो नहीं आ सकता ना कि बड़े प्राइवेट बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुला दे वो, है ना। तो इसी के लिए सरकार ने ये सिस्टम बनाया था साल 1975 में। 1975 में सरकार ने रीजनल रूरल बैंक ऑर्डिनेंस 1975 रिलीज किया था और उसके तहत पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका नाम था प्रथमा बैंक और इस बैंक का स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक। अच्छा, ग्रामीण बैंक में जो रेशियो होता है, देखिए आप, 50% रेशियो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जो ओनरशिप रेशियो होता है ना उसमें, और 15% स्टेट गवर्नमेंट अपना अधिकार रखती है ग्रामीण बैंकों पर, और 35% स्पॉन्सर बैंक का अधिकार होता है। स्पॉन्सर बैंक का मतलब ये हुआ कि वो ग्रामीण बैंक पावर्ड बाई किससे है, जैसे बड़ौदा ग्रामीण बैंक हो गया तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा का पावर्ड बाई बैंक है। आईसीआईसीआई के भी कई सारे ग्रामीण बैंक गांव के इलाकों में चलते हैं, तो वो किस बैंक से पावर्ड बाई है, मतलब उस बैंक का जो गांव में बैंक है, ग्रामीण बैंक है, उसका मैनेजमेंट मेनली कौन सा बैंक देख रहा है, उसको सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसके खर्चे मेंटेन करना, उसमें स्टाफ मेंटेन करना, तो ये सब कुछ स्पॉन्सर्ड बैंक का काम होता है, जिसका ओनरशिप रेशियो होता है ग्रामीण बैंक में 35%, ठीक है ना। लेकिन अब सरकार इन सबको अलग रूप से डिफाइन करने जा रही है, ये सभी शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो पाएंगे, तो जाहिर सी बात है मतलब कि ग्रामीण बैंक का एक मेजोरिटी हिस्सा पब्लिक के पास आ जाएगा। शेयर मार्केट में किसका पैसा होता है, पब्लिक का, पब्लिक खुद ओनर हो जाएगी ग्रामीण बैंकों की। तो इससे ग्राहकों को ये फायदा होगा दोस्तों कि जब भी कोई कंपनी बीएससी एनएससी पर शेयर मार्केट में लिस्टिंग होती है ना, तो उसके पास फंड की कमी न के बराबर रहती है, पैसा आएगा लोगों से, तो जाहिर सी बात है लोगों को ही बैंकों में बेहतर सुविधाएं मिलेगी। मतलब अभी जो आपको ग्रामीण बैंकों में सुविधाएं नहीं मिल पाती है ना, वो सुविधाएं आपको शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद मिल पाएगी। हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें भी रखी हैं। वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसके पास पिछले 3 साल का कम से कम 300 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है, वो शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो पाएगा। इस दौरान उसकी कैपिटल एडिक्वेसी भी 9% के न्यूनतम नियामक स्तर से ज्यादा होनी चाहिए और बैंक प्रॉफिट भी कमारा होना चाहिए। बीते 5 साल में कम से कम 3 साल में उन्हें न्यूनतम 15 करोड़ रुपए का परिचालन लाभ कमाया हो, मतलब इतना तो प्रॉफिट कमाया हो, तब वो बैंक आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला सकता है और उससे पूंजी जुटा सकता है। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं सरकार ने ग्रामीण बैंकों को लेकर। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, मौजूदा समय में 43 आरआरबीज हैं, रूरल रीजनल बैंक, जिनके स्पॉन्सर सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं, यानी कि हमारे देश में अभी टोटल 43 ग्रामीण बैंक है, है ना। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल जवाब है तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।